लाइन पे मैं खड़ा हुआ हूँ, मैंने इसका जो मीटर है ट्रिप ए वो आप देख लो, वो कर दिया भाई जीरो। ये कलर है भाई इसका गाड़ी का, UP20 से रजिस्टर्ड है अपनी गाड़ी। की गाड़ी की कितनी एक्चुअल रेटिंग आ रही है तो भाई मैं। गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल भाई सूर्यांश मोटर व्लॉग्स में आपका सबका सभी का स्वागत है भाई। आया हूँ आपके सामने मैं एक और बढ़िया शानदार बेहतरीन वीडियो लेके। तो भाई वीडियो आज है फिर से माइलेज से रिलेटेड। आज हम माइलेज निकालने वाले हैं, ना ही बलेनो का ना ही फ्रोंक्स का, आज हम निकालेंगे XL6 का जो आती है भाई 1500 cc नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ। सो गाइस आप देख सकते हो मैं अभी बैठा हुआ हूँ XL6 में। ये भाई CNG वेरिएंट है, आपको देखने के लिए मिल रहा होगा सामने लिखा हुआ है CNG, क्योंकि ये जीटा में आती है भाई, बस खाली जीटा के अंदर आती है, अल्फा में नहीं आती है। तो अभी मैं अवेलेबल हूँ, देख सकते हो आप लाइन से समझ सकते हो अगर आप समझदार हो तो भाई, कितनी लंबी लग रही है और पीछे भी लाइन है, ये देख लो आप भाई शीशे में देखो आप ORVM में, ठीक है। तो अभी भाई CNG लाइन पे मैं खड़ा हुआ हूँ, मैंने इसका जो मीटर है ट्रिप ए वो आप देख लो वो कर दिया भाई जीरो। तो ये है भाई मीटर इसका कर दिया है मैंने रिसेट जीरो। CNG कराते हैं भाई इसमें फुल, ठीक है, फुल करा के इसको भाई चलाएंगे। थोड़ा सा हाईवे का रहने वाला है, थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र भी है, पहाड़ी और मतलब लोकल भी है, ओवरऑल मिक्स कंडीशन में हम इसको चलाने वाले हैं। तो भाई टाइम हो चुका है देख सकते हो आप 19:02, मतलब शाम के 7 बज रहे हैं और लाइन अभी तक भाई पूरी की पूरी मतलब लगी हुई है। कोई कोई व्हीकल है भाई जो इधर से जाके उधर से निकल रहा है, एक पहले तो इस बस ने बहुत टाइम लगा दिया भाई, तो अब हमारा नंबर बहुत जल्दी ही आने वाला है। इसको फुल कराते हैं, देखते हैं प्रेशर कैसा है, क्योंकि CNG भाई सब कुछ जो मैटर करता है वो प्रेशर मैटर करता है। तो भाई अच्छा प्रेशर होगा तो अच्छी CNG आएगी, 8 किलो तक का भाई इसका सिलेंडर होता है, आ भी जाती है 8 किलो। बाकी गर्मियों का मौसम है भाई, ये गर्मियों के टाइम में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो गर्मियों में थोड़ी गैस जो है एक्सपेंड ज़्यादा होती है तो कम आती है भाई, एज कम्पेरेटिव टू अगर आपका थोड़ा सा ठंडा मौसम है, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई, वैसे इसमें आधी दिखा रहा है, ये देखो भाई CNG का सब मीटर है बीच में, बाकी जो लेफ्ट वाला आपको दिख रहा है ना ये जो है ये लेफ्ट वाला भाई CNG का है, राइट वाला इसमें पेट्रोल का है। तो CNG इसके अंदर भाई अभी आधी दिखा रहा है, तो मेरे हिसाब से 3 से 4 किलो इसके अंदर CNG आनी चाहिए, और जो भी आती है अपना जीरो हमने कर दिया, अब चलाएंगे फुल टैंक तक इसको कितनी चलती है। तो गाइस आ चुके हैं फाइनली, इसका भाई वो कर देते हैं, कितने रुपए किलो है यहाँ? 95, थोड़ी घटा दी गया रेट भाई, 95 और चल रहा है अभी, 2 किलो आ चुकी है। तो ये कंपनी क्रिएट है भाई, यहीं आती है इनको CNG, वरना आपको लगाना पड़ता है अलग से। और ये देख लो भाई CNG पूरी फुल है, और भाई पूरे के पूरे XL6 है तो 6 ही इसमें सीट्स ऑक्यूपाइड है, 6 ही जने इसमें बैठे हुए हैं। ये कलर है भाई इसका गाड़ी का, UP20 से रजिस्टर्ड है अपनी गाड़ी, और ऐसी कुछ की आती है भाई इसमें, बाकी अभी आ जाती है शायद 4-4.5 किलो, क्योंकि हमने खड़े भी रहे भाई यहाँ, तो उस वजह से थोड़ी एक्स्ट्रा आएगी। और लाइन देख लो भाई पीछे की तरफ, ये देखो भाई ये सीन है भाई, थोड़ा सा गलत CNG का, इसके पीछे Ertiga है भाई, ये 5 किलो प्रेशर अच्छा आ रहा है इसका मतलब। तो भाई मैं उधर गाड़ी का गलत देख रहा था, ये अपना वाला ही है भाई राइट, ये आई है भाई 328 रुपये की, 3.5 किलो। अब बाकी भाई मैं आपको दिखा देता हूँ, जीरो में न कर ही दिया है, चलते हैं भाई फटाफट। ये सही है इसमें पुश बटन स्टार्ट, ये हिसाब किताब बढ़ाता हूँ भाई गाड़ी आके, लाइट भी भाई काफ़ी ठीक है, देखना इसकी लाइट, ये देखो। तो गाइस वहाँ से निकल गए हम और ये चल चुके हैं 6.5 किलोमीटर और अपनी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है भाई। वैसे तो आना जाना है लगभग 160, बट भाई मैं पहले उतर जाऊंगा, तो देखते हैं अभी 200 में ही काम हो पाएगा इसका या नहीं, कितनी चलती है ये। तो फिलहाल 3.5 किलो आई है इसमें और 4-5 किलो से पहले थी, ठीक है। तो मोटा मोटा एक आइडिया है कि इसका सिलेंडर 8 किलो का है, तो 8 किलो में अगर 25 का माइलेज देती है तो 200 चलनी चाहिए, और नहीं देती तो फिर कम चलेगी, या ज़्यादा देती है तो भाई पता चल जाएगा, मैं आगे की क्लिप भी इसमें डाल दूंगा, तो आप बने रहिए इसी वीडियो में हमारे साथ। तो गाइज ये चल गई है भाई, देख लो आप ट्रिप ए 62.8, और अभी हमने ले लिया है थोड़ा सा ब्रेक, और ब्रेक लिया भाई हमने खेरा ढाबा, चलते हैं भाई कुछ खाते पीते हैं अपना पेट पूजा, फिर निकलते हैं अपना माइलेज चेक करते हुए आगे निकलते हैं। वही टाइम हो गया 9:30,
40-50 मिनट हमें यहाँ लग गई और अभी हमें दिख गई है भाई थार। चलेगा फोटो सेशन, दिख रहा है पीछे खैरा क्या भाई, देख लो USA से इम्पोर्टेड है भाई। सो गाइस टाइम हो चुका है रात के 10 और अभी तक हम कंटिन्यू मतलब वहाँ से खाना खा के चल रहे हैं। और अगर मैं किलोमीटर्स को आपको दिखाऊं तो भाई ये है 88.3 और ये जो बीच का मीटर है ना भाई, ये भी मतलब दिखा रहा है कि CNG आधी हो चुकी है और इधर जो वाला मीटर है ये भी आधी। अभी भाई ये कितना एक्यूरेट है, अगर ये आधी हुई है तो इसके हिसाब से तो 180 किलोमीटर के आसपास बैठ रहा है, तो ये पता चलेगा क्योंकि अब हम थोड़ा सा अपहिल हमने चढ़ना स्टार्ट कर दिया है तो माइलेज ड्रॉप होता ही है भाई माउंटेन में। तो देखते हैं भाई इसका परफॉर्मेंस क्या है, मतलब अभी तक कोई पावर में लैग नहीं लग रहा, बिल्कुल स्मूथ जैसे पेट्रोल की गाड़ी नॉर्मल चलाते हैं हम, कोई फोर सिलेंडर 1200 cc तक की ऐसा ही बिल्कुल फील आ रहा है। तो भाई प्रॉपर CNG में ही चल रही है, आप देख भी सकते हो मैंने बिल्कुल पेट्रोल पर नहीं चलाई कभी, आप सोच रहे हो माइलेज ज़्यादा निकालने दिखाने के लिए। ऊपर CNG आ रहा है लिखा हुआ राइट साइड में, इसका मतलब है CNG पे ही चल रही है जब से। बाकी लाइट का थ्रो भी भाई ठीक है इसका रात के हिसाब से, बट आपको हाई बीम पर रखनी पड़ती है मोस्टली टाइम, फिर जहाँ पे आपके रिफ्लेक्शन वाले बहुत बोर्ड आते हैं वहाँ पे आपको लो बीम करनी पड़ती है, वरना प्रॉब्लम आती है देखने में। अब जैसे सामने से रॉन्ग साइड से आ रहा है तो भाई इसको प्रॉब्लम आएगी, तो लो बीम करनी पड़ती है, फिर दोबारा से हाई बीम पर शिफ्ट करना पड़ता है। तो भाई देखते हैं, पहुँचते हैं फिलहाल अपनी मंजिल पर और किलोमीटर्स इसमें जब तक हो जाएंगे 130 के आसपास, उसके बाद फिर कल मॉर्निंग से हमारी शुरू होगी, तब मैं आपको क्लिप डाल दूंगा कि टोटली भाई कितनी चली। जब जैसे वो पेट्रोल पे शिफ्ट होगी तब हमें पता चल जाएगा कि 7.5-8 किलो के हिसाब से कितना इसने टोटल माइलेज दिया। तो गाइस फाइनली भाई पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, जितनी आज गाड़ी चलानी थी, टाइम देख लो आप 11:05 और भाई अगर मैं बात करूँ रीडिंग की 133.6 और आप भाई CNG का लेवल देख लो, लगभग भाई 1/3 से भी कमी रह गई, चाहे आप ये देख लो चाहे आप देख लो भाई ये दो दो हैं भाई इसमें सिस्टम, ठीक है। तो भाई गाड़ी कर दी है बंद, अब बाकी हम राइड करेंगे कल। तो गाइस चल चुकी है 150.7 और आप देख लो कितनी बची हुई है, अभी एक दो डंडा दिखा रहा है, इधर की तरफ भी सुई थोड़ी सी ऊपर है और अभी CNG में ही चल रही है, ऊपर CNG लिखा हुआ है। तो सुबह हो गई थी हम निकल गए, अब देखते हैं भाई ये राम भरोसे ही है, एक लास्ट के दो डंडों में 25-30 किलोमीटर चलती है कितनी चलती है, उसके बाद ही फिर हम इसमें CNG डलवाएंगे। भाई साहब लास्ट डंडे पर आ गई है बिल्कुल, आप देख लो और किलोमीटर्स चल चुकी है 166, अब लास्ट वाला डंडा देखना होगा कि भाई ये कितना चलेगा। बाकी स्पीड अपनी ऐसा नहीं है कि भाई कोई मेंटेन कर रखी हो या क्रूज लगा रखा हो, कहीं 50 भी चल रही है कहीं 120 भी चल रही है, तो बिल्कुल एक्यूरेट ही आएगा भाई निकल गया माइलेज। तो बने रहे भाई आप, थोड़ी देर में आपको दिख जाएगा कि अगर आप XL6 प्लान कर रहे हो CNG में लेने में फ़ायदा रहेगा या पेट्रोल में, ठीक है भाई। पेट्रोल की भी निकालूंगा किसी दिन इसका माइलेज, अभी फ़िलहाल CNG का आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो भाई अभी 170 किलोमीटर पर इसने दिखाया है CNG लो फ्यूल, तो ये रिजर्व में आ चुकी है लगभग CNG के और ये जल गया भाई यहाँ, देखते हैं भाई रिजर्व में कितनी चलेगी, बिल्कुल टैंक खाली कर देंगे उसके बाद फिर CNG का पेट्रोल पंप देखेंगे हम। अभी हरिद्वार रोड पे चल रहे हैं तो रास्ते में दिखा रहा है कि भाई है, था वैसे रास्ते में भी लेकिन हमने डलवाई नहीं इसलिए ही क्योंकि एक बार पहले चेक कर रहे थे फ्यूल पूरा, मतलब अगर फुल टैंक होगा तो कितनी चलेगी। तो भाई अभी तक तो CNG ही चल रही है क्योंकि ऊपर CNG पे ग्रीन आ रखा है, जब ये पेट्रोल हो जाएगी तभी ऊपर मतलब चेंज हो जाएगा CNG से पेट्रोल। बाकी पूरी गाड़ी फुल ऑक्यूपाइड थी भाई जाते हुए भी आते हुए भी, और AC गाड़ी का हर टाइम ऑन ही है, आप देख लो फुल AC पर चल रही है और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई गाड़ी को, पता नहीं चल रहा कि मतलब CNG चल रही है पेट्रोल चल रहा है, कोई पावर लैग नहीं कुछ नहीं और बॉडी रोल भी नहीं है भाई, मतलब एकदम से ही अगर आप ओवरटेक वगैरह भी करोगे ना अपनी लेन में एकदम आओगे इधर से उधर काट के तो मतलब दिक्कत नहीं है, ये चीज़ भी सही लगी मुझे इसकी। और अभी 100-120 चल रही है और स्टेबल है बिल्कुल, पता नहीं चलता कब 100-120 चढ़ जाती है CNG में भी, कि हरिद्वार रह गया है 24, देखते हैं भाई 24 तो खैर ही नहीं चलेगी कम ही चलेगी, बाकी बताता हूँ आपको जैसे ही एकदम पेट्रोल पर शिफ्ट होगी तब मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस ये जो देख सकते हो आप लुप जुप सी चल गई भाई इसकी लास्ट वाले डंडे की, अंतिम पड़ाव पे आई अपने और किलोमीटर 181 चल गई, तो मुझे लगता है 2-4 किलोमीटर का हो रहा है इसमें सिस्टम जो है बचा हुआ, ठीक है। सुई तो भाई बिल्कुल नीचे जाली, लेफ्ट वाला मीटर जो आप देख रहे हो सुई तो भाई बिल्कुल नीचे जाली। तो भाई अभी हो चुकी है पेट्रोल पे, आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो ऊपर आ गया पेट्रोल लिखा हुआ, लास्ट का लुक झुक कर रही है CNG जल गई है और ऊपर वो
सीएनजी वाली वो आ गई भाई कि बिल्कुल खाली हो गई, देख लो चाबी आ गई बनी हुई। तो ये इतनी चल गई भाई 188 के आसपास आप मान लो, ठीक है, जिसमें गैस भी भाई पूरी नहीं आई थी क्योंकि इतना अच्छा प्रेशर नहीं है, वो ऑफलाइन वाला पंप है। तो आप इसको डिवाइड कर लो भाई 7.5 के हिसाब से, इसका इतना माइलेज निकल के आता है। तो भाई देख लेते हैं एक बार कि गाड़ी की कितनी एक्चुअल रेटिंग आ रही है। तो भाई मैं इसको 188 को डिवाइड कर देता हूँ मैं अंदाजे से, लगभग 7.5 किलो उसमें गैस आई थी क्योंकि भाई प्रेशर कम था। तो भाई इतना माइलेज आ रहा है निकल के आपके सामने है भाई 25.06। तो भाई 25 का ही मान लो फुल ऑक्यूपाइड और एसी के साथ गर्मी में अप हिल डाउन हिल सब कुछ भाई कंबाइंड करके 25 का एवरेज देगी भाई, बहुत सही है यार। मतलब 14-15 का देती है यार ये पेट्रोल में, और पेट्रोल भी 95-96 है हमारे इधर, और यहाँ भाई सीएनजी भी 95-96 है। तो सेम उस पर अगर 10 किलोमीटर का फ़र्क आ रहा है तो 8 किलो पे भाई लगभग आप देख लो 80 किलोमीटर का फ़र्क आएगा सेम रेट पे। तो भाई बहुत सही चीज़ रहेगी, मतलब कि आप लगभग डबल से ही पैसे बचा लेते हो अगर आप सीएनजी वेरिएंट को चूज़ करते हो। बस वहीं भाई उसकी फिर डिसएडवांटेज हो जाती है कि उसमें भाई थोड़ा सा आपको जो बूट स्पेस है वो भाई कम मिलता है, ठीक है, और थोड़ी सी पावर लेग आपको मिलेगी सीएनजी में। और भाई फिर से फुल करा रहे थे, अब देख लो आप यहाँ भाई 8 किलो आ चुकी है, प्रेशर बहुत अच्छा है हरिद्वार में, देख लो भाई यहाँ आ गए भाई सब 8 किलो 800 रुपये की भाई। अब अपना चलेगी फिर 200 किलोमीटर, क्या दिक्कत है। जब तो टैलेंट बीट नहीं होगा फिर जाम लग जाएगा।